नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो UPSC जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, इसके द्वारा हाल ही में एक भर्ती का जो रिजल्ट जारी किया गया है, और अगर आप इस रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है इसे दबाकर आप और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस समय जब ये जो UPSC इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, और इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ही जो यहाँ पर नोटिस है, रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2014-15, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, UP, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट ही आ जाएगा। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है, सूचना, और 11 अप्रैल 2022 अभी जो हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है। और एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विज्ञापन संख्या 4/2014-15 विभाग संख्या इतनी के द्वारा विज्ञापित प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 17 पदों 14 पद अनारक्षित, उत्तर प्रदेश के अपी वर्ग हेतु 2 पद और अनुसूचित जाति हेतु 1 पद आरक्षित, तथा क्षतिज आरक्षण के अंतर्गत मिलाव हेतु 3 पद आरक्षित पर सीधी भर्ती के द्वारा नियमित चयन किए जाने हेतु माध्यमिक आयोग के द्वारा दिनांक 5, 6, 7 व 8 अप्रैल 2022 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद हेतु उपयुक्त पाते हुए निम्नलिखित नियुक्ति है तो श्रेष्ठता क्रम अनुसार संस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तो उसके बाद जो कैंडिडेट सफल हुए हैं उनकी सूची जारी की गई है। यह आप देख सकते हैं क्रमांक, और यह अनुक्रमांक है रोल नंबर, और अभ्यर्थी का नाम, और यहाँ पर ये अभियुक्ति श्रेणी। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर, नाम वगैरह ये इसमें चेक कर सकते हैं, और 17 यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं। तो इनका यहाँ पर ये जो रिजल्ट जो है ये जारी हुआ है, और यही जो है एक फिलहाल महत्वपूर्ण अपडेट जो है जारी हुई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद।